टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप ऑफ वीडियो एडिटिंग प्लस गेमिंग, दोनों रिक्वायरमेंट एक ही लैपटॉप में आपकी पूरी हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट रखी हुई है लाइक प्रोसेसर की बात करें तो i5 या i7 होना चाहिए 10th जनरेशन के साथ, प्लस रैम की बात करें 8GB रैम होनी चाहिए प्लस एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। उसके बाद बात करें SSD होनी चाहिए, HHD नहीं होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो GTX 4GB ग्राफिक कार्ड मिनिमम होना ही चाहिए आपके लैपटॉप का, ताकि आप जो वीडियो एडिटिंग है वो भी सही कर सको, प्लस जो आप गेमिंग है गेमिंग की ग्राफिक भी आपके जो है वो बहुत ज़्यादा सही होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो कर दूँ तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन औजला, वेलकम टू दी औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। लिंक वगैरह सब कुछ यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। ठीक होती हैं पिक्चर्स प्लस रील्स वगैरह, ठीक है चेकआउट कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अभी बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर आता है डेल की ओर से लैपटॉप, लाइक स्टाइलिश डिज़ाइन है। अगर आपने हाथ में पकड़ा भी होगा ना, आप अपने कॉलेज जाते हो, अपने ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप उसको कैरी करते हो, वो बहुत ज़्यादा सही लगने वाला है, प्लस फीचर लोडेड है। ठीक है, अभी फीचर्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ यार डिस्प्ले की। ठीक है, डिस्प्ले की बात करूँ तो 15.6 LED फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ तो इंटेल i5 10th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो NVIDIA G4 GTX 1650 Ti 4GB आपको देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो विंडोज 10 देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं स्टोरेज की, तो 8GB रैम अपग्रेड अप टू 16GB आप कर सकते हो, प्लस 256GB SSD देखने को मिलता है, प्लस 1TB HDD देखने को मिलता है। बैटरी की बात करूँ तो 10 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। आपको फुली लोडेड मिल जाता है, लाइक रैम भी इसकी सही है, ग्राफिक कार्ड भी सही है, रैम जो है एक्सपेंडेबल कर सकते हो। और क्या चाहिए भाई, अगर वीडियो एडिटिंग भी करनी है प्लस अगर आप गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हो, आपके लिए दी बेस्ट है। अगर डेल की और जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी के लिंक दिए, चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 पर आता है लिनोवो IDEAPAD गेमिंग। आइडिया हो गया होगा कि गेमिंग लवर्स के लिए लैपटॉप है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, प्लस इसका डिज़ाइन एंड स्टाइलिश डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है एंड लोडेड मिल जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की तो 15.6 फुल HD LED देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूँ इंटेल i7 10th जनरेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ NVIDIA G4 GTX 1650 4GB देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो विंडो 10 देखने को मिल जाती हैं। अभी बात करें स्टोरेज की, 8GB रैम एक्सपेंडेबल कर सकते हो 16GB तक, प्लस 256GB SSD मिल जाती है, प्लस 1TB HDD मिल जाती है। बात करें बैटरी की, 8 आवर्स बैटरी बैकअप वगैरह आपको मिल जाता है, जो कि सही है। ठीक है, फीचर्स इसके भी सही है। i7 आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप इसकी ओर जाना चाहते हो, लिनोवो IDEAPAD गेमिंग की ओर जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने गेमिंग करनी है चाहे वीडियो एडिटिंग करनी है। ठीक है, एंड अगर आप आर्किटेक्चर वगैरह 3D वर्क वगैरह भी करना चाहते हो तो इन कंप्यूटर्स में वो भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 की बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने गेमिंग करनी है चाहे आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, दोनों को कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये दोनों ही चीज़ें करनी है तो यार आपकी जो लैपटॉप का स्क्रीन साइज है वो छोटा होता है, वो इतना मज़ा नहीं आता गेमिंग करने में प्लस वीडियो एडिटिंग करने में। अगर आपके पास 32 इंच स्मार्ट TV है तो आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपके पास स्मार्ट TV है, अपने लैपटॉप को उसके साथ अटैच कर दो, जो अपनी वीडियो एडिटिंग करते हो उस TV में करो, वो बहुत ज़्यादा सही होंगी। ठीक है, प्लस अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो तो उस TV में अटैच करो, वो एक्सपीरियंस आपका गेमिंग का भी दी बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं नंबर 3 की बात करो तो नंबर 3 पर आता है ASUS की ओर से लैपटॉप, दी बेस्ट लैपटॉप है। मैंने पहले भी इसकी वीडियो की हुई है, कई लैपटॉप्स की वीडियो की हैं, उसमें इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले डिस्प्ले आता है तो 15.6 फुल HD स्क्रीन मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ तो इंटेल i5 10th जनरेशन आपको देखने को मिलता है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो NVIDIA G4 GTX 1650 Ti
4GB आपको देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो विंडो 10 देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करो तो 8GB रैम आपको देखने को मिल जाती है, प्लस 512GB SSD देखने को मिल जाती है, प्लस एक्स्ट्रा स्लॉट आपको देखने को मिल जाती है। इन फ्यूचर अगर आपको और जो स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको इनक्रीज कर सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आपको स्टोरेज की ज़रूरत बहुत पड़ती है बिकॉज आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए ये हेल्प करेगा जो कि दी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप ASUS की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, इनके भी लैपटॉप दी बेस्ट होते हैं। तो नंबर बात कर लेते हैं नंबर टू की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं डिज़ाइन इसका भी दी बेस्ट है। अगर आप इसकी ओर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेता हूँ, नाम वगैरह बाद में बताता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले की बात करूँ तो 50.6 फुल HD आपको देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ राइजन 5 4600H देखने को मिलता है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ निवीडिया GeForce GTX 1650 Ti 4GB देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो विंडो 10 देखने को मिलती है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, 8GB रैम देखने को मिलती है, 512GB SSD प्लस एक्स्ट्रा स्लॉट आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। अगर आप HP लवर्स हो तो HP की ओर जा सकते हो। इसका रीज़न ये था रखने का कि हर एक बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कोई बंदा लिनोवो का लेना चाहता है, कोई डेल का लेना चाहता है, कोई HP की ओर जाना चाहता है, कोई ASUS की ओर जाना चाहता है। तो दैट्स वाई हर एक जो कंपनी ब्रांड का लैपटॉप है वो रखा हुआ है, ठीक है। अगर HP की ओर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर चेकआउट करना है तो चेकआउट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे करना है कर लो भाई। नंबर वन की बात कर लेते हैं, तो नंबर वन की बात करें या नंबर वन पर आता है ASUS गेमिंग A15 लाइक दी बेस्ट लैपटॉप है। प्लस पॉइंट इसका ये है कि जो इसका प्रोसेसर है वो लेटेस्ट वर्जन है। अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका बजट 70,000 है, 75,000 है, 80,000 है, 85,000 है तो आप इसी लैपटॉप की ओर जाना, दी बेस्ट लैपटॉप आपको मिलता है इस प्राइस रेंज में, ठीक है। अगर आपका बजट 70, 80, 85 इतना बजट है आपका तो इस लैपटॉप की ओर ही जाना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा सही मिल जाता है। डिज़ाइन हो गया, फीचर्स हो गए, आपको प्रोसेसर भी सही मिल जाता है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी प्लस आपकी गेमिंग करनी है, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत ही ज़्यादा सही होगा इस लैपटॉप में। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले। बात करें तो 50.6 फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो राइजन 7 4800H आपको देखने को मिलता है, लाइक लेटेस्ट प्रोसेसर है ये, ठीक है। अगर जाना चाहते हो इसकी और तो दी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो निवीडिया GeForce GTX 1650 Ti 4GB आपको देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो विंडो 10 देखने को मिलती है। स्टोरेज की बात करूँ तो 8GB रैम प्लस 256GB SSD प्लस 1TB HSD आपको देखने को मिल जाती हैं। फुली लोडेड आपको जो लैपटॉप मिल जाता है, इसका जो रैम हो गया वो भी ठीक है, प्लस इसका जो स्टोरेज हो गया वो भी दी बेस्ट है। आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो अपनी रैम को, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। प्लस आपको प्रोसेसर बहुत ज़्यादा सही मिलेगा, आपको ग्राफिक कार्ड भी बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप जाना चाहते हो इसकी और, दी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, प्लस गेमिंग के लिए, प्लस वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप सर्च आउट कर रहे हो लैपटॉप, जा सकती हो। तो यार मैंने सभी लैपटॉप आपको बता दिए, मेन कंपनी ब्रांड के भी मैंने आपको लैपटॉप बता दिए। अगर आपको सही लगी वीडियो तो वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, दोस्तों को भी भेज देना, एंड मेरे चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार, लिंक दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।